नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी इन दिनों गुजरात की सत्ता पर नजरें टिकाए हुए है। गुजरात चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इनकी इस कोशिश में उनका साथ दे रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। उन्हें भी गुजरात दौरों में लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ देखा जाता है। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल को सादा जीवन जीने वाले आदमी के तौर पर दर्शाने के लिए ऐसी बात बोल दी जिसके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ ही आम सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब मजे लिए। दरअसल भगवंत मान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि हमने आपको दिहाड़ी देकर नहीं बुलाया है, हमारे पास पैसे नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवंत मान ने तो आगे ये भी कह दिया कि उनके पास कॉल करने के पैसे भी नहीं है, उनके मोबाइल में भी बैलेंस नहीं रहता, साथ ही अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में भी बैलेंस नहीं रहता। क्या कुछ कहा भगवंत मान ने, आप खुद ही सुन लीजिए। देखो, हमने आपको देखो कोई दिहाड़ी देख के नहीं बुलाया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। हमारे पास एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। भगवंत मान ने जैसे ही ये किस्सा सुनाया तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अलग अलग दलों के नेताओं ने उनकी चुटकी लेनी शुरू कर दी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भगवंत मान के भाषण और उनकी शादी की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि संघ के छोटे रिचार्ज का कोई छोटा रिचार्ज ही करवा दो, हमारी भोली भाली जनता भी आपके इन ठगों की बातों में आकर अपना कीमती वोट भाजपा के खिलाफ इन्हें देकर भाजपाइयों की ही सरकार बना रही है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा कि ये बदलाव के नाम पर बर्बादी है। इसके साथ उन्होंने एरोप्लेन में बैठे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर साझा कर लिखा कि कौन विश्वास करेगा कि भगवंत मान कहते हैं कि केजरीवाल के फोन में 0 रिचार्ज बैलेंस था, जब राजा केजरीवाल आईफोन का नया मॉडल लेकर चार्टर विमानों में यात्रा करते हैं, ये एक दूसरे के बारे में झूठ बोलते रहते हैं। वहीं इस पर राजनीतिज्ञों के साथ साथ आम जनता भी खूब मजे ले रही है। एक यूजर ने लिखा, व्हाट अ जोक हैविंग पोस्ट ऑफ सीएम एंड यूजिंग प्रीपेड कनेक्शन। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, बदलाव के नाम पर बर्बादी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने गुजरात में स्टैंड अप कॉमेडी की अपनी पूर्णकालिक भूमिका निभाई। वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा कि फ्री कॉलिंग के जमाने में ये दोनों भाई साहब कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, वैसे यू कांट टेक कॉमेडी आउट ऑफ अ कॉमेडियन। तो आपने देखा किस तरह से भगवंत मान के इस बयान के बाद यूजर उनके खूब मजे ले रहे हैं। भगवंत मान के इस रिचार्ज वाली बात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।